हेलो गाइस, आ गए हैं आज हम अपने स्वयंवर मंडप, जिसको देखने के लिए सभी इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। स्वयंवर मंडप का ब्लॉग लेके आ गए हैं, तो आप मेरी लोकेशन तो देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हमारा NS 24 है, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ NS 24 पे। NS 24 के तुरंत बिल्कुल किनारे पे ही अपना मिलक का, जिस तरह से मिलक गई रामपुर, ठीक है, रामपुर का फेमस मंडप अपना स्वयंवर मंडप। तो चलिए हम इसे अभी दिखाने वाले हैं, यहाँ का ब्लॉग दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं स्वयंवर मंडप पे। तो गाइस, आ गए हैं हम अपने स्वयंवर मंडप के गेट पे, आप देख ही रहे होंगे मेरी लोकेशन को। तो आपको भी इंतजार होगा अंदर से स्वयंवर मंडप का व्यू देखने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, इतना कन किस तरह से मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा व्यू है ना यहाँ का कि आपको देख के बिल्कुल मज़ा ही आने वाला है। तो आपको बिना इंतज़ार किए लेके चलते हैं सीधे अंदर। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको पता भी होगा कि हमारे जो भैया अभिषेक हैं उन्होंने हमें चैलेंज दे रखा है 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर करने का। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिए। चलिए, तो आपको बिना इंतज़ार किए लेके चलते हैं अंदर। चलिए अब चलते हैं। देखिए, ये हमारे स्वयंवर मंडप का पहला गेट और एक गेट उधर भी है। तो सीधे आपको वे बिना इंतज़ार किए लेके। एक झूला लगा हुआ है उधर, ठीक है, और इधर देखिए सारा टेंट का सामान है रखा हुआ, ठीक है। और इधर ग्रास देखिए भाई, मैं तो ग्रास देख के क्या ही बोलूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब घूमने का भी मन कर रहा है। हाँ, कुछ टाइम घूमो। उधर देखिए कार्स वगैरह हैं खड़ी हुई, उधर कार्स लगी हैं, ठीक है। और देखिए इधर भी एक कार लगी हुई है, इधर भी अंदर भी मतलब सब मतलब मंडप का ही सामान है। इधर हमारे देखिए बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर हैं, ठीक है। इधर देखिए 3 जनरेटर हैं नहीं 4 जनरेटर हैं यहाँ पे। और देखिए इधर भी जगह देखिए आप, कितनी ज़्यादा जगह है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ऊपर से भाई डिज़ाइन, आए हाय डिज़ाइन देखो, अंदर टेंट का ये देखिए व्यू, वाह। इधर देखिए, मैंने बताया था ना यहाँ पे कोई सड़क ऐसी नहीं रहती है, मैट ही लगती है। देखिए मैट ही यहाँ पे है सब लगी हुई। यहाँ पे देखिए फैन वगैरह भी हैं, इधर बल्ब्स देखिए आप, ठीक है। इधर वो गाड़ी खड़ी हुई है एक कार, और इधर भी देखिए फैन वगैरह। और देखिए यहाँ से ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग है भाई, ऊपर देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में नाइस वगैरह जरूर लिखिए, और आगे बताइए हम कौन सा कहाँ का ब्लॉग बनाएं। तो यहाँ पे देखिए ये बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। देखिए नीचे भी मैट ही नहीं है लगी हुई, और इधर भी ये यहाँ पे डीजे वगैरह शायद लगता है। यहाँ पे क्या लगता है रोहित, जयमाला, और उधर
उधर भी देखिए, यहाँ दो जगह मतलब वो तो अब हाँ जो इसके यहाँ पे मैरिज है उसकी इच्छा है, मतलब क्या है क्या नहीं है, और ठीक है। और इधर भी आप फुलवाड़ी देखिए, ये देखिए इसकी मैं लोकेशन बताऊँ, NH 24 के जस्ट बिल्कुल किनारे और बराबर में ही जो यहाँ के मैनेजर हैं उनका स्कूल है SRM इंटर कॉलेज, ठीक है। देखिए आप फ्लावर्स वगैरह देखिए, यहाँ पे देखिए पेड़ क्या अच्छा लग रहा है यार। देखिए यहाँ पे कोई कांवर वाले हैं तो जा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, सॉन्ग्स की नॉइस भी आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ आप ग्रास देखिए, देखिए कितना अच्छा यार व्यू लग रहा है यहाँ का, ठीक है। इधर लाइटिंग देखिए, ऊपर लाइट देखिए, ठीक है, सभी तरफ कितना अच्छा यार वो हो रहा है, मतलब मैं तो यार कहूँ जल्दी से मेरे घर में भी किसी की शादी हो, मैं भी इसी मंडप में आऊँ जल्दी से। ये मंडप भी कितना अच्छा है यार, मैं तो वही दीवाना हो गया इसका भी। गाइज मैं जरा 2 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ वीडियो में, अभी देखिए तुरंत आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉइस आ रही है, आपको साउंड की नॉइस आ रही होगी, क्योंकि देखिए कावर वाले हैं तो नॉइस आ रही होगी, इसके लिए मैं वीडियो क्लिप को यहीं पे कट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी मतलब बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है और कॉपीराइट आने का भी डर है, तो चलिए अब अंदर हॉल का आपको व्यू दिखाते हैं। तो आइए अंकल जी बताइए, हमारे साथ में अभी एक अंकल जी हैं जो यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो उनके साथ हैं हम, तो चलिए अभी हॉल का व्यू दिखाते हैं। और आप इधर देखिए, इधर ये हमारे सर श्रीमान संजीव सिंगल जी, उनका SRM इंटर कॉलेज, यहाँ का थोड़ा सा व्यू, और मैं आने वाले टाइम में यहाँ का भी आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सीधे हॉल में, देखिए इधर से आप देखिए, इधर से मैंने बताया था दूसरा गेट भी है एक, तो यहाँ से देखिए वो सामने NH 24 है, NH 24 के जस्ट बराबर में देखिए हमारा ये सेकंड मतलब गेट है। तो देखिए और यहाँ पे भी मतलब ग्रास वगैरह आप देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है। और अगर आपको भी कभी मौका मिले तो यहाँ पे एक बार ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो अभी देखिए हम देखिए इधर ऊपर से व्यू देखिए यहाँ का, चलिए तो चलते हैं अंदर हॉल में। और देखिए अभी मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, इधर है टॉयलेट, ठीक है, मतलब टॉयलेट की भी अच्छी व्यवस्था है। और इधर देखिए हाथ वगैरह वाश वगैरह की है, और इधर देखिए हाँ कमरे, इधर कमरे जो हमारे लिए मिलते हैं मतलब मंडप में आते हैं तो भाई कमरे तो मिलेंगे, एक रूम ये है और एक रूम ये है। और देखिए अंदर से भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, तो देखिए गाइस, अरे वाह, यहाँ पे भी हमें मतलब खाट वगैरह चारपाई वगैरह यहाँ पे हमें सब मिल रही है, देखिए इधर भी, तो देखिए यहाँ पे भी कितनी अच्छी चारपाई है, आपको इको लग रहा होगा क्योंकि रूम बिल्कुल खाली है। और इधर से हाँ देखिए वॉशरूम भी है, इधर से वॉशरूम और हाँ वो वॉशरूम रहने दीजिए कोई नहीं, ठीक है अंकल जी कह रहे हैं वॉशरूम दिखा दीजिए, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये वॉशरूम है, ठीक है हाँ, और यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह नहाने वगैरह की सारा अच्छा है। और देखिए यहाँ पे खाट है लगी पड़ी हुई यहाँ पे रूम पे, और ऊपर फैन है, दो फैन है देखिए, ठीक है। तो बाहर चलते हैं अब सेकंड रूम में भी यही होगा सेटअप पूरा, तो सेकंड रूम में भी यही सेटअप है, उसे हम बंद ही रहने देते हैं। और इधर देखिए विंडो वगैरह भी लगी हुई, शीशा वगैरह है, तो चलिए देखिए ऊपर आप हॉल देखिए कितना बड़ा हॉल है, तो चलिए ऊपर का हम व्यू दिखाते हैं। ऊपर के लिए देखिए गाइस दो जीने गए हैं, एक उधर से और एक इधर से, तो चलिए हम अंकल जी के साथ साथ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम से प्रोग्राम नहीं हुआ है तो ज़्यादा थोड़ा साफ़ सफाई नहीं हुई। इधर देखिए SRM का ग्राउंड, यहाँ से SRM का ग्राउंड दिख रहा है, तो मैं SRM का भी कभी ब्लॉग बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इधर हाँ आइए, तो गाइस पार्ट टू को देखने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे पार्ट टू आपको सबसे पहले मिल सके, और पार्ट टू में मज़ा ही आने वाला है।